बाबैन के गांव रामशरण माजरा के खेल मैदान में आयोजित रामशरण माजरा ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ अवसर पर वार्ड नंबर 4 से जिला परिषद प्रतिनिधि अशोक सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए रिबन काटकर टूर्नामेंट का शुभारंभ करवाया। वे रामशरण माजरा व लखमड़ी के बीच मैच शुरू करवाया। इस मौके पर अशोक सैनी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को क्रिकेट का सामान भेंट किया। इस 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में रामशरण माजरा, लखमड़ी, संगोरखेड़ी, मनु माजरा, राजेपुर, चिब्बा, ग्योंग, ठोल व अन्य टीमें हिस्सा ले रही हैं। अशोक सैनी ने उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और एक अच्छा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के दम पर देश व प्रदेश में नाम चमका सकता है। अच्छे खिलाड़ी को न केवल देश व विदेश में मान व सम्मान मिलता है बल्कि उसे रोजगार के लिए भी भटकना नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे शिक्षा के अलावा खेलों को भी अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं ताकि उनका जीवन सार्थक हो सके। उन्होंने कहा कि खेलने से व्यक्ति का शारीरिक व बौद्धिक विकास होता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशों से दूर रहकर खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाए। इस मौके पर बलकार सिंह, जनकराज, दीपक, पुनित, गौरव, हर्ष, लाडी, जय भगवान, अमला, प्रदीप, मनीष, रविकांत व अन्य युवा मौके पर मौजूद रहे। माजरा में क्रिकेट टूर्नामेंट के अवसर पर गांव रामशरण माजरा की टीम वे जालखेड़ी का आज मैच का शुभारंभ किया और आज इस अवसर पर खेल खेलने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है और बच्चे नशे से दूर रहते हैं और ऐसे ही हर गांव में खेल चलता रहे जिससे हमारे देश व प्रदेश का नाम हर जगह चाहे वो कोई सा खेल हो पूरे देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करते हैं। ऐसे ही चाहे कोई वॉलीबॉल का खेल हो या क्रिकेट टूर्नामेंट का खेल हो इसमें बच्चे बहुत ही उनकी हौसला बजाई हमें हर जगह करनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चों में एक मानसिक तनाव भी दूर होता है और बच्चे नशे से दूर रहते हैं क्योंकि नशा एक ऐसी चीज आज एक ऐसा इतनी अच्छी तरह से फैल रहा है कि इससे आने वाले बच्चों का भविष्य बिल्कुल गर्द में जा रहा है। मैं तो सभी बच्चों से और खेलने वाले बच्चों से यही अपील करेंगे कि हर समय खेलें और इसी प्रकार से मैं इस गांव में आए हुए पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में बलकार जी, वैभव जी और ध्रुव जी सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खबर नामा हरियाणा के लिए बाबैन से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।